सो गाइस आप बोल रहे हो कि मैं नीचे क्यों बैठा हूँ, तो यार नीचे बैठ के जो पेंटिंग करने का मजा है ना, वो मतलब टेबल पे बैठ कर नहीं है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टेंसिल से कैसे आप अपनी पेंटिंग बना सकते हो। लाइक अभी ये वाला जो है, अभी ये वाले महादेव का स्टेंसिल है और इस पे मैं अभी इसको कैसे छापता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा, कैसे हम इसका इस पे ट्रांसफर कर देंगे, और वैसे मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब ट्रांसफर कर देंगे या कॉपी कर देंगे क्या बोलते हैं, तो वो आज मैं बताने वाला हूँ आपको। तो वीडियो का एंड तक देखना। स्टेंसिल मैंने पहले ही बना लिया था, ये काट लिया मैंने। और एक टिप देना चाहूंगा कि कभी भी आप स्टेंसिल बनाओ तो सीजर का इस्तेमाल मत करिएगा, सीजर मत करिएगा, कटर का इस्तेमाल करिएगा। मैंने ये 10 रुपए वाला नॉर्मल कटर आता है इससे काटा है, और अगर ये ज्यादा शार्प नहीं हो तो आप क्या करना, पीछे से ये निकाल कर और एक तोड़ देना, तो एकदम शार्प हो जाएगा, और उससे बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कटता है। तो ये थी एक टिप स्टेंसिल बनाने की। तो लेट्स गो कलर करते हैं। So guys, सबसे पहली आपको जो चीज करनी है वो है स्टेंसिल को कहाँ प्लेस करना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली स्टेंसिल को कहाँ प्लेस करना है। अगर आप थोड़ा भी इधर उधर प्लेस कर दोगे तो आपकी पूरी पेंटिंग बहुत खराब दिखेगी। तो पहले देख लीजिए आपको स्टेंसिल कहाँ प्लेस करना है, देन उसके बाद आपको मास्किंग टेप या फिर सेलो टेप की मदद से उसको उधर चिपका देना है, स्टिक कर देना है, जिसकी वजह से वो एक ही जगह पर रहे और जब हम पेंट अप्लाई करें तो वो इधर उधर नहीं सरके। और अगर सरक गई तो भाई साहब फिर तो भगवान ही बचा सकता आपको, फिर कुछ नहीं हो सकता, इसलिए कह रहा हूँ अच्छे से चिपकाइएगा, ठीक है। सो गाइस अब टेप लगाने के बाद अब जो बारी आती है वो है कलरिंग की। अब कलरिंग में मैं आपको सिर्फ एक टिप देना चाहूंगा कि कलर को ब्रश पे ज्यादा लोड मत कीजिएगा, जितना कम कलर हो सके उतना कम कलर यूज कीजिएगा, क्योंकि स्टेंसिल के बीच में थोड़ी थोड़ी गैप्स होती है और ज्यादा आप कलर लोगे तो वो गैप्स में जाने का डर रहता है, और उसकी वजह से आपका स्टेंसिल की जो लाइंस है वो एकदम शार्प नहीं दिखेगी, एकदम स्मूथ नहीं दिखेगी, और जब आप स्टेंसिल उठाओगे तो आपके सामने कुछ ऐसी तस्वीर आएगी जो कि आपको देखना नहीं पसंद है। तो आप देख लीजिए, जितना कम पेंट हो सके उतना कम पेंट लीजिएगा, और मेरी मानो तो आपको स्टेंसिल के अंदर जितने पेंट्स चाहिए उसे पहले ही बना लीजिए। तो मैंने यही किया है, मुझे 2 टाइप्स के पेंट्स चाहिए थे, एक लाइट ब्लू और एक डार्क ब्लू, तो वो मैंने पहले ही बना लिया था क्योंकि स्टेंसिल के अंदर मुझे कलर मिक्सिंग करना है, और अगर मैंने पहला कलर अप्लाई कर दिया देन उसके बाद में दूसरा कलर बनाने गया और पहला वाला सूख गया, देन भाई बहुत दिमाग खराब हो जाएगा, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और बहुत मेसी हो जाएगा काम। तो मेरी एडवाइस यही है आपको कि आप जो भी कलर अंदर करना है आप उसे पहले ही बना लीजिए, ठीक है।